वेलकम बैक टू आवर चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये ब्लॉग हमारे रियल लाइफ इंसिडेंट पर है। गाइस, जब ये इंसिडेंट हुआ, एट दैट टाइम आई वाज आल्सो देयर, मैं वहीं पर थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि आपने जैसे कि अभी थंबनेल में देखा होगा कि ये उस दिन हैवी वेट लिफ्ट कर रहे थे, चेस्ट प्रेस जो कि 180 केजी था। और अगर ये वेट लिफ्ट उस दिन हो जाता तो इनका बेस्ट पीआर रहता। बट और वही चीज़ सोचकर मैं भी उस दिन बहुत एक्साइटेड थी कि चलो इस मोमेंट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट उस टाइम पे जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, ये इंजरी, ये जो हमारा पीआर होने वाला था, ये एक ऐसे एक्सीडेंट, एक सीरियस एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आज का ये ब्लॉग बनाने का हमारा मेन एम यही है कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, जिम में वेट लिफ्ट करते हैं, वो ऐसे हादसों से बच सकें। और जो लोग ये ब्लॉग अभी देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनको ऐसी इंजरी हो चुकी है, तो वो कैसे, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं इस इंजरी से बाहर आने के लिए। सो गाइस, बने रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए। क्योंकि जब तक गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल पर मिलने वाली अपडेट्स टाइमली आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। चैनल पर रेगुलर शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब फिट फैमिली ब्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा किस बारे में है। तो ये एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है, और किस वजह से हुआ, क्या गलती मैंने करी, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और अगर ऐसा किसी का हो जाता है तो वो कैसे इससे बचे, और क्या वो प्रिकॉशन ले, अगर होने के बाद वो कैसे रिकवर करे, फास्ट रिकवरी, क्या क्या इसमें आप सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास वीडियोस भी हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और एक वीडियो है जो सीसीटीवी कैमरे की है, और एक वीडियो है जो मेरी वाइफ उस दिन बना रही थी। आई डोंट नो, लकली और अनलकली वो मोमेंट रिकॉर्ड हो गया है। तो मैं आपको पहले वो वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो सीसीटीवी कैमरे से, जिम के सीसीटीवी कैमरे से आई है। सो देखिए आप वो वीडियो, फिर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है वो वीडियो। मैं टॉवल से बार को क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और स्वेटिंग भी हो रही थी, तो मैंने कहा रोड स्लिप नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको बार क्लीन किया। ये है 5 अप्रैल का दिन 2021, और अब आप देख सकते हैं मेरी वाइफ वहाँ पे सूट भी कर रही है, और वो मैंने बार लिफ्ट किया और ये मेरी मसल ब्रेक हो गई। इसमें कोई अभी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि सीसीटीवी में ऑडियो अवेलेबल नहीं था उस टाइम। सो काफ़ी लोग भाग के आ गए थे चारों तरफ से, और मेरी वाइफ को थोड़ा देर में रियलाइज़ हुआ कि क्या एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, तो इतनी इंजरी सीरियस हो चुकी है। तो अभी आपने जो वीडियो देखा वो मेरा ही है, और उस टाइम वेट था 180 केजी वेट में लिफ्ट कर रहा था। एक्चुअली सम टाइम ऐसा होता है कि यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग, इट्स योर डे, यू कैन डू इट। सो डैट डे आई फेल्ट द सेम थिंग, और मैंने सोचा आज मैं अपना पीआर करूंगा। पीआर मतलब पर्सनल रिकॉर्ड, कि मैं आज मैक्सिमम उठा के उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, और ये मेरा प्लान था। तो मैं स्टार्टिंग से ही 20 केजी, 40 केजी ऐसे ऐसे वेट इंक्रीज़ कर रहा था, और जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा था, हर स्टेप पे मैं 10 रेप्स निकाल रहा था। लेकिन जब 100 केजी वेट हुआ तो मैंने 110 लगाया, फिर मैंने उसके 7 रेप निकाले, फिर 120 के 7 निकाले, 130 के फिर मैंने 5 निकाले, 140 के फिर मैंने 5 निकाले। तो उस पॉइंट पे जाके मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ, तो मुझे लगा कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। सो मैंने एक साथ ही 40 केजी इंक्रीज़ किया, और मैंने कहा एक पीआर करने के लिए एक ही सेट, वन रैप इज एनफ, तो मैं उसको करता हूँ। तो मैंने 140 के बाद डायरेक्ट 180 पे जंप किया और वेट को लिफ्ट किया। तो जब मैंने वेट को लिफ्ट किया तो आई फेल्ट लाइक आई कैन डू इट। मेरे माइंड में या मेरे को ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि मैं इसको नहीं उठा सकता, या अरे मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं इसको फेल कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। मैं फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ
उसको उठाया और लिफ्ट करने के पोजीशन में आया। जब मैंने उसको लिफ्ट किया उसके बाद मैं उसको थोड़ा नीचे लेके आया और थोड़ा नीचे लाने के बाद दैट टाइम माई मसल टोर्न आउट, मेरी चेस्ट की मसल वहाँ से यहाँ से टोर्न हो गई और द सेम टाइम मेरा लेफ्ट हैंड तो एकदम यूजलेस हो गया, वेट नीचे चला गया, राइट हैंड ने थोड़ा वेट को लिफ्ट किया था और थैंक गॉड पीछे कोच, वहाँ के कोच मेरे हेल्पर थे तो उन्होंने या तो कह लो मोर एक्सपीरियंस थे या उन ज़्यादा अटेंटिव थे, उन्होंने मेरी जान बचाई। और अगर वो नहीं होते हो सकता है मैं ज़्यादा इंजर्ड हो जाता और हो सकता है ये एक बोन या कहीं से वो ब्रेक हो सकती थी, लेकिन लकली आई सेव्ड। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा टोन कहाँ से हुआ था। ये जो ये चेस्ट है और इसकी ये जो जहाँ पे मसल्स आके ऐसे जुड़ती हैं, जहाँ पे मसल्स आके जॉइंट करती हैं इसे कहते हैं पेक्टोरियल्स मेजर, और यहाँ से मसल्स ऐसे फ्लो करती हुई यहाँ पे आके आपकी हैंड बोन पे जॉइंट होती हैं, इन मसल्स को कहते हैं पेक्टोरियल माइनर। गाइस मैंने आपको समझाने के लिए कि मेरे साथ इंजरी कैसी हुई थी और कहाँ से मेरी मसल ब्रेक हुई थी उसको थोड़ा एलैबोरेट करने के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है। इवन आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट स्टिल आई ड्रॉ समथिंग फॉर यू। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये ड्राइंग मैंने ड्रॉ करी है और ये है आपकी हैंड बोन, ये आपकी कॉलर बोन और ये आपका चेस्ट का ऊपर के मसल्स की तरह है। जो ये लाइन ब्लू कलर की आप देख रहे हैं ये आपकी मसल्स हैं जिन्हें पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं और ये मसल्स की जो लाइन जा रही है पेक्टोरलिस माइनर होता है। तो आपकी ये मसल्स यहाँ से मसल्स टिश्यू जाते हुए जॉइंट होते हैं आपकी हैंड की बोन पे। ये इतने सारे टिश्यूज़ एक साथ इकट्ठा होकर हैंड की बोन पे जॉइंट होते हैं बाइसेप्स की बोन पे। और मेरे को जब स्ट्रेस इधर पड़ा तो मेरी यहाँ से टिश्यू ब्रेक हुआ जहाँ ये जॉइंट है यहाँ से, और इसके कुछ टिश्यूज़ यहाँ से ब्रेक हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेटर समझ आया होगा इस ड्राइंग से। इस तरह मेरे मसल्स के टिश्यू ब्रेक हो गए। तो द सेम टाइम मैं वहाँ जब मेरे को फील हुआ उस टाइम जैसे मसल्स रिसेंटली ब्रेक होता है तो अंदर से कुछ पता नहीं चला, कोई निशान नहीं आया, कोई ब्लडिंग नहीं, ब्लड कॉटिंग नहीं हुई। तो उस टाइम मैं बाइक चला के खुद घर आया और फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो वहाँ से पता लगा कि मसल टोर हुए हैं बट पूरा मसल के टिश्यू ब्रेक हुए हैं, पूरा मसल ब्रेक नहीं हुआ है। तो मेरा एक दोस्त है रवि, वो अगले वेरी नेक्स्ट डे ही केम टू माय होम एंड हम दोनों वो हम मेरे को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले गया। थैंक गॉड वो मेरे को ले गया। और एक्चुअली क्या है कि शुरू के 3 दिन ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका कोई मसल टियर हुआ या कोई और इंजरी हुई स्टार्टिंग के 3 डेज ही आप अगर उसका पूरा ख्याल रखें तो रिकवरी फास्ट हो जाती है और उन्हीं 3 दिनों में आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है या फिर आपको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लाइक MRI करवानी है या आगे सर्जरी करवानी है, तो उन्हीं 3 दिनों में आपको पता लग जाएगा। इवन फिजियोथेरेपिस्ट भी मेरे को यही सजेस्ट कर रहा था अगर इन 3 दिनों में आपकी बॉडी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और वो रिकवरी करनी स्टार्ट हो गई तो इट्स ओके, वी विल कंटिन्यू विद द थेरेपिस्ट, अदरवाइज़ आई हैव टू गो फॉर MRI और सर्जरी भी करवानी पड़ सकती थी। बट लकली मेरी बॉडी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया और उसने रिकवरी स्टार्ट कर दी। तो ये था वो इंसिडेंट और मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं और कुछ पिक्चर्स हैं ड्यूरिंग माई थेरेपी, और मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ जो मेरी वाइफ ने बनाया है और वो थोड़ी क्लोज हुआ है, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि वो कितना डेंजर इंसिडेंट था। तो देखिए वो वीडियो। तो गाइज ये पिक्चर जो आप अभी देख रहे हैं फर्स्ट डे की है और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये सेकंड डे है। मेन 48 आवर अप्रोक्स हो चुके हैं तो मेरे को ब्लड क्लोटिंग पूरे हैंड बाइसेप्स को कवर कर चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये सेम पिक्चर देखिए अभी दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं मेरे बाइसेप्स में ब्लड क्लोटिंग, और ये वाली पिक्चर है ड्यूरिंग माई फिजियोथेरेपी और इसका भी अभी आपको वीडियो दिखेगा थोड़ा सा। और ये देखिए ये होती है इन्फ्रारेड,
इंफ्रारेड के थ्रू आपके मसल्स को जल्दी रिहैब करने के लिए टेक्नोलॉजी काम आती है। ये भी बहुत अच्छी रिकवरी आपको देगी और बड़ी फास्ट रिकवर आपको होएगा। स्टार्टिंग के 3 डेज में आपको ये लेनी बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो आप वायर्स देख रहे हैं, इसके थ्रू ये काफ़ी लो वोल्टेज का करंट आपकी बॉडी को थ्रू पास कराते हैं, जिससे आपकी मसल्स की रिकवरी फास्ट हो जाती है। ऊपर ये उन्होंने एक हॉट पैड रखा है, जिससे मेरे को रिलीफ और रिलैक्स मिलता है। सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एंड गाइस, ब्लॉग के एंड में मैं आप लोगों को एक यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो अपने साथ एक हेल्पर को ज़रूर रखिए, ताकि इस तरीके की होने वाले इंसिडेंट से वो आपको सेव कर सके। जैसा कि इनके इंसिडेंट में भी हुआ, आपने वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पर हेल्पर थे ऑलरेडी, जिन्होंने वो वेट उस टाइम पे संभाल लिया, काफ़ी हद तक उन्होंने संभाला। शायद अगर वो हेल्पर वहाँ पर ना होते तो आज ये इंजरी इससे ज़्यादा सीरियस हो सकती थी। तो आप लोग भी अपने साथ हेल्पर को ज़रूर रखिए। जब तक बने रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ।